हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी क्लासेस। वी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्यूब रूट। इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने स्क्वायर रूट के बारे में बेसिक से अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन देखे। अगर आप लोगों ने अभी तक स्क्वायर रूट का पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखा है तो चैनल में जाकर, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले आप लोगों को 1 to 10 तक का क्यूब आना चाहिए। तो चलिए हम लोग एक बार लिख लेते हैं। मेरे साथ साथ आप लोग भी लिख सकते हैं। 3 का क्यूब हो गया 27, 4 का क्यूब हो गया आपका 64, 5 का हो गया 125, 6 का क्यूब हो गया 216, 7 का क्यूब हो गया 343, 8 का क्यूब हो गया आपका 512, 9 का क्यूब हो गया आपका 729 और फाइनली लास्ट 10 का क्यूब हो गया आपका 1000। ये आपको सबसे पहले 1 से लेकर 10 तक इसका क्यूब याद होना चाहिए। ओके, अब चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग क्यूब रूट को सॉल्व करेंगे। ये क्यूब रूट स्क्वायर रूट से भी ज्यादा इजी है और उससे पहले हम लोग निकाल सकते हैं इसको। तो इसको हम लोग दोनों तरीका से देखेंगे कि ट्रेडिशनली और बाय ट्रिक, क्योंकि एग्जाम में हमें ट्रिक की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिशनली और बाय ट्रिक हम लोग दोनों सीखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं और आगे समझते हैं कि क्या होगा। 1 से लेकर 10 तक का क्यूब आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम क्लास को आगे बढ़ा सकें। तो चलिए अब हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझने के लिए आप लोगों के सामने है। तो मैं साइड में एक बार क्यूब को भी लिख लेता हूं ताकि आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम ना हो। अब हम लोग आइए देखते हैं कि क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। मैंने स्क्वायर में क्या बताया था कि आप लास्ट का 2 डिजिट कट करेंगे। अब क्यूब में क्या करना है कि लास्ट का 3 डिजिट को कट करना है। स्क्वायर में 2 डिजिट और क्यूब में 3 डिजिट को कट करना है लास्ट से। तो अब देखिए आपका लास्ट में दिख रहा क्या 7, ठीक है। अब देखिए किसका इकाई अंक 7 है, जिसका जिस क्यूब का भी इकाई अंक 7 होगा वो हमारा यूनिट डिजिट होगा। तो देखिए आप देख रहे होंगे 3 का जो क्यूब है उसका लास्ट में 7 आ रहा, तो मतलब इसका इकाई अंक क्या होगा हमारा 7। इसमें 2 अंक आपका नहीं आएगा। स्क्वायर रूट में क्या हो रहा था कि पहले हम जैसे कुछ भी मान लीजिए अगर 4 है तो हम पहले 2 का स्क्वायर कर रहे थे, फिर 8 का स्क्वायर देख रहे थे, लास्ट में यूनिट डिजिट, फिर ये दोनों में हम लोग को देखना पड़ रहा था। इसीलिए मैंने बताया कि क्यूब रूट स्क्वायर रूट से आसान है और इसे हम जल्दी कर सकते हैं। तो इसका यूनिट डिजिट पता चल गया 7 होगा। 7 कैसे पता चला? 2197 जब हम लोग इसको लास्ट 3 डिजिट को कट कर लिए तो हमारा जो 197 है तो हमारा पहला यूनिट डिजिट लास्ट का डिजिट है जो 7। अब हम लोग को ये देखना है कि ये जो 7 है वो किसका स्क्वायर का यूनिट डिजिट है। तो हम लोगों ने देखा कि 3 का स्क्वायर होता 27, इसका यूनिट डिजिट है 7, लिखते हैं आप लोग। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे 2 है, अब यहाँ पे 2 है, 3 का क्यूब किया 27, अच्छा यहाँ पे 3 होगा, सॉरी 7 नहीं होगा, मैंने इसको देखकर से लिख दिया, यहाँ पे आपका 3 होगा 3। अब 2 जो है वो किन किन 2 नंबर के स्क्वायर के बीच में है? तो आपको यहाँ पे सीधा दिख रहा होगा 1 का स्क्वायर 1 और 1 का क्यूब 8, ये दोनों के बीच में है 2। तो हमेशा हम लोग छोटा वाला लेते हैं, तो छोटा वाला हम लोग लेंगे तो आपका 13 हो जाएगा आंसर। आप लोगों को अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखते हैं। देखिए क्वेश्चन लेते हैं,
सबसे पहले क्यूब में लास्ट का 3 डिजिट कट करेंगे, उसके बाद देखेंगे यूनिट डिजिट क्या है, 7 है। अब 7 जो है किस नंबर का क्यूब में आ रहा है, तो 3 का क्यूब में आ रहा है, यूनिट डिजिट 7, तो यहाँ पे 3 का क्यूब में आ रहा है इसलिए लिख दिया 3। अब यहाँ पे 2 है, तो 2 को देखना है कि किन दो नंबर के क्यूब के बीच में है। तो आप देखिए 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब होता है 8, 8 है तो इसके बीच में है 2, तो यहाँ पे लिखती है छोटा वाला नंबर लेना है 13। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको और अच्छा समझ में आ जाए इस क्वेश्चन के मुकाबले। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन को देखकर डरना नहीं, कितना लंबा क्यूब रूट कैसे बनेगा, स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है और प्रैक्टिस के बाद आप एक लाइन में इसे बना लोगे। तो सबसे पहले इसको करने के लिए हमें साइड में क्यूब रूट लिखना होगा, आप लोग भी साइड में लिखोगे तो अच्छा समझ में आ जाएगा। अब देखिए हमारा पहले सबसे पहले 3 डिजिट को कट कर लेना है, लास्ट से गिनकर 1 2 3 कट कर लिया। अगर वही स्क्वायर रहता तो अब 2 डिजिट को कट करते। यूनिट डिजिट क्या है इसका, 9। अब देखिए 9 किसमें, 9 तो किसी में नहीं दिख रहा, मतलब हम लोग को एक और स्क्वायर लिखना होगा। यहाँ पे देखिए इसको हटा दीजिए, ये दोनों को हम लोग को 9 का स्क्वायर लिखना होगा, 7 2 7 2 9 होता। अब देखिए यूनिट डिजिट 9 यहाँ पे भी है, 9 यहाँ पे भी, तो 9 किसका है, सॉरी 9 किसका है, 9 का, ठीक है। अब देखना 493 किन दो क्यूब के बीच में है, 493 किन दो क्यूब के बीच में है, तो यहाँ देखिए 493 125 216 343 512 यहाँ पे आपका आएगा, 493 आपका यहाँ पे आएगा, तो हमेशा छोटा वाला लेना है, छोटा वाला क्या है 7 हो गया आपका, हाँ हो गया, बस इतना ही करना है क्यूब रूट निकालने के लिए। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, सेम टाइप का एक क्वेश्चन और देखिए। देखिए सेम टाइप का आपका क्वेश्चन दिख रहा होगा, सबसे पहले इसमें क्या करना है, लास्ट से 3 डिजिट कट कर लेना है, 1 2 3 कट कर लिया, यूनिट डिजिट क्या है 3। अब देखिए 3 किस में है, देखिए 3 आपका 7 का क्यूब में है, 3 तो 7 को लिख दिए, 3 को नहीं लिखना है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि करें 3 को लिख दे, 3 को नहीं, जिसका क्यूब का यूनिट डिजिट है उसको लिखना है। तो 7 का क्यूब करेंगे तो 3 4 3 आएगा, तो 7 को लिखना है यहाँ पे, 7 को लिखना है। अब ये चेक करना है कि 456 जो है किन दो क्यूब के बीच में है, तो देखिए 456 देखिए, फिर आप देखोगे कि 7 और 8 के बीच में है 456, तो हमेशा छोटा वाला लेना है, तो छोटा वाला क्या है 7, तो 77 आपका आंसर हो गया। चलिए उम्मीद है कि आपको क्यूब रूट अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब उसी तरह इसमें जितना भी डिजिट रहेगा अब ऐसे ही एडजस्ट करोगे, अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 डिजिट रहेगा तो भी आपको लास्ट से 3 डिजिट को कट करना है, 4 डिजिट रहेगा तो भी कट करना, और 3 डिजिट रहेगा तो भी आपको कट करना है लास्ट से। अब हम कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे सिंप्लीफिकेशन में और किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए क्वेश्चन आपके होम स्क्रीन पे दिख रहा होगा, चलिए उसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन आपको शो हो रहा होगा, सॉल्यूशन देखते हैं उसका। पॉइंट को हटाए नीचे 4 0 1 2 3 4, ये पॉइंट को हटाए नीचे 1 0 हो गया, यहां तक आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 8 को 8 से करेंगे 8 8 64 होता है, कैरी हो गया 6 आपका, फिर 8 को 8 से करेंगे 8 8 64, 64 और 6 70, डिवाइड कितना 0 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आप देखिए 704 ऊपर में है, डिवाइड 10 पे 4 0,
मतलब इकाई दाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख मतलब 704 डिवाइड बाय 1,00,000। अब ये नीचे कितना जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, तो ऊपर भी उतना डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगा देना है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 5 डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगा देना। तो फाइनल हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0.00704। और ये क्वेश्चन आपको पता है कहाँ पे आया, ये क्वेश्चन आपका यूपीएसआई में आया है, आप देख रहे हो क्वेश्चन में यूपीएसआई में 2017 में ये क्वेश्चन आया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, देखिए क्या है, 0.00175 मल्टीप्लाई 8000। क्या है क्वेश्चन, 0.00175 मल्टीप्लाई 8000। सबसे पहले ये पॉइंट को हटाएं, नीचे कितना जीरो आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, आराम से करना है, बड़ा करनी, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए जीरो जीरो काट देना है, 1, 2, 3, 1, 2, 3, जीरो कट गया आपका। आप 175 गुना 8 करना है, तो आप कर लीजिए 175 गुना 8। आपको आराम से ऐसे करना है, ये नहीं कि ऐसे लिख के करना है, ऐसे ऐसे आपको ज्यादा टाइम लगेगा, यहीं पे आपको करना है। 8, 5, 40 हाथ में रहा 4, 8, 7, 56 और 4, 60, 0 हाथ में रहा 6, उसके बाद 8, 1, 8, 8, 6, 14 डिवाइड कितना है नीचे 100। देखिए 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 खत्म हो गया, फाइनल आंसर आपका कितना आया 14, फाइनल हमारा आंसर है 14। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि स्क्रीन पे आ गया है, देखिए क्वेश्चन क्या है, ये आपका ईएलपी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। हम आपको वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पे करा रहे हैं जो एलपी ग्रुप डी आरआरबी जेई में आ चुके हैं, वैसे ही क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 1, 2, 3, आपको तो क्वेश्चन दिख रहा है फिर भी मैं एक बार लिख लेता हूँ, 1, 2, 3, 3, 5, 6 इक्वल टू 4, 3, 7, 8, 8। ये आपको दिया है, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप देख रहे होगे कि ये आपको दिया हुआ है। तो पूछा है हमसे कि 1.23, 3.56 इक्वल टू क्या होगा, सॉरी एक पॉइंट इधर हो गया, 0.356 इक्वल टू क्या होगा। अब देखिए यहां पे ध्यान से, 1, 2, 3 मल्टीप्लाई 3, 5, 6 इक्वल टू 4, 3, 7, 8, 8। अब यहां पे क्या किया है कि दो डिजिट के बाद आपका पॉइंट लगा दिया, तो पॉइंट को हटाएंगे 100 आ गया। यहां पे तीन डिजिट के बाद आया, पॉइंट को हटाएं, तीन डिजिट 1000 आ गया। इसका वैल्यू देखिए 123 यहां पे भी, 123 यहां पे भी है, 356 यहां भी है, 356 यहां पे भी है, मतलब इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों का सेम होगा। अगर इसका वैल्यू कितना है 43,788, तो यहां पे लिखेंगे हम 43,788, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पे कितना जीरो हो गया टोटल, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 कितना हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 5 जीरो नीचे लिखिए, ठीक है। आप क्या करेंगे, 5 डिजिट के बाद आपको दशमलव मतलब डेसिमल बैठा देना है, 1, 2, 3, 4, 5, तो आपका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 0.43788, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से आप देखिए, इतना बराबर हमें इतना दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ नहीं किया, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया, यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे दो डिजिट के बाद दशमलव बैठा दिया, यहाँ पे तीन डिजिट के बाद दशमलव बैठा दिया। तो जब हम दशमलव को हटाते हैं तो नीचे आ गया आपका 100, यहाँ पे तीन डिजिट के बाद है इसलिए जब दशमलव को हटाया तो यहाँ पे आ गया 1000, ठीक है। अब जब टोटल यहाँ पे तीन डिजिट है, यहाँ पे दो डिजिट दो लोग को किए तो 5 जीरो आ गया यहाँ पे। अब इसके बाद 5 जीरो के बाद हमको दशमलव बैठाना है, तो हमने 5 जीरो के बाद दशमलव बैठा दिया, हो गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको पहले भी बताया, मैंने एलपी 2018 में पूछा था,
आप लोग में भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन या फिर थोड़ा हल्का चेंज करेगा। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे दिया था, आपको यहाँ पे दिया 1.23 इंटू 0.356 को निकालने दिया था। अगर मान लीजिए आप लोग में क्या करेगा तो यहाँ पे ऐसे दे देगा 0.123 इंटू 35.6 इक्वल टू ऐसे निकालने दे देगा। तो इसमें आप लोग क्या करोगे, इसको हटाओगे 3 जीरो नीचे हो जाएगा, इसको हटाओगे 1 जीरो नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल कितना आपका दिया है 4.3788 डिवाइड कितना हो जाएगा 1 2 3 4 4 जीरो। बस उसके बाद 1 2 3 4 जीरो के बाद बैठा दे, मतलब 4 3 7 8 8 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला किस क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 234 डिवाइड 0.234। आप लोग उस टाइप तरफ क्वेश्चन दिख रहा होगा 234 डिवाइड एक्स, इसमें आपको एक्स का वैल्यू को फाइंड करना है, एक्स का वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में आपका, कि 234 डिवाइड 0.234 इक्वल टू 23, इसको हटा देते हैं, 23.4 डिवाइड एक्स। देखिए इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर कितना जीरो जाएगा, 1 2 3 3 जीरो आया। इस पॉइंट को हटाएंगे नीचे कितना जीरो आया, 1 जीरो आया। अब देखिए 234 234 कट गया। अब क्या करना, आप x बराबर x जब इधर जाएगा तो 234 इधर जाएगा, मतलब कितना जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 234। तो x का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, 234 234 डिवाइड 1 2 3 4 2 3 4। आप चार डिजिट के बाद आपको दशमलव देना है, मतलब 1 2 3 4। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 0.0234, ये हमारा फाइनल आंसर है। आपको पता है ये क्वेश्चन कहाँ आया पे? ये क्वेश्चन यूपीएसआई में आया 2017 में, आपको दिख रहा होगा। सोचिए ऐसा क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछा जाता है जिसे आप लोग आराम से सॉल्व कर ले रहे हो। चलिए एक और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास आ गया होगा, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 493 डिवाइड 29 इक्वल टू 17, मतलब 493 डिवाइड 29 इक्वल टू 17 के बराबर है। हो तो देखिए इसमें क्या किया, 4.93 डिवाइड 0.0017 इक्वल टू पूछा आपसे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 493 डिवाइड 29 इक्वल टू 17 है तो, हो तो 4.93 डिवाइड 0.0017 इक्वल टू कितना होगा, ये क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा उस साइड, और ये भी आपको दिख रहा होगा कि क्वेश्चन कौन से एग्जाम में आया है और किस ईयर में आया। ये क्वेश्चन आपका एएलपी 2018 में पूछा होगा। मैं पहले भी बता चुका हूं, मैं वैसा ही क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूं जो पिछले एग्जाम में पूछा जा चुका है। आइए आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आपको क्या समझ में आ रहा क्वेश्चन से, आप लोगों का माइंड कितना वर्क कर रहा है। जिनसे बन रहा है वो बनाइए, और जिनसे नहीं बन रहा वो सोचिए कि किस टाइप से हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। चलिए देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या है हमारे पास, सबसे पहले देखिए क्या निकालने के लिए बोला है, 4.93 पॉइंट हटा दीजिए अभी, 493 भागा 17, यहां पे 17 निकालने के लिए बोला है, मतलब यहां पे आपको इस तरह निकालने बोला है,
493 डिवाइड 17, यहाँ पे m को ऐसे निकालने के लिए बोला है, पर क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, पर क्वेश्चन में हमको चेंज करके दिया हुआ है 493 डिवाइड 29, क्वेश्चन में हमको ऐसे दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमको ऐसे दिया है, हमको निकालना है ये, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमको इसको जो है इसमें चेंज करना होगा, ठीक है। देखिए चेंज कैसे करेंगे, यहां पे क्या है आपका 493 डिवाइड 29 इक्वल टू 17 हो गया। अब यहां पे क्या बोला है कि 493 डिवाइड 17 दे दिया है और आपको उधर 29 का वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो हम इसको चेंज कर देंगे, हम भी इसको इधर और उसको उधर कर देंगे, मतलब 493 17 को हम यहां ले आएंगे डिवाइड 17 इक्वल टू 29। अब देखिए हमारा ये पोर्शन, ठीक है, और आपका ये पोर्शन जो क्वेश्चन बोला है निकालने के लिए, आप देखिए मैच खा रहा है, पॉइंट अभी हम नहीं लिए, पॉइंट अभी हम लेकर दिखाएंगे आप लोगों को। 493 डिवाइड 17, 493 डिवाइड 17, इसका वैल्यू आपको दिया है 29, दैट मीन्स इसका भी वैल्यू आपका होगा 29, ठीक है। पर जो क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट लाने के लिए आपको पॉइंट जोड़ दिया है, दशमलव जोड़ दिया, तो उसको कैसे करेंगे, देखिए हम तो यहां पे जानेंगे कि क्या हो गया हमारा 493 डिवाइड 17 इक्वल टू 29। अब देखिए 4.93 डिवाइड 0.0017, इसका पॉइंट हटाएंगे, जब इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये दशमलव ऊपर जाएगा, कितना, 1 2 3 4, ठीक है, और जब इसका पॉइंट हटाएंगे तो दशमलव नीचे जाएगा 1 2। अब देखिए जो पॉइंट कट रहा उसको हम काट देंगे, 1 2 1 2, और इसका वैल्यू हमको कितना दिया था, 493 डिवाइड 17 का वैल्यू हमको कितना दिया है, 29 दिया है, 29 लिखेंगे, 493 डिवाइड 17 का वैल्यू हमको कितना दिया है, 29 दिया है, 29 लिख दिए। अब यहां पे क्या हो रहा है कि देखिए 493 डिवाइड 17, यहां पे आपका 100 बच रहा, 100 ये वैल्यू हमारा दिया है, पर हमारा यहां पे वैल्यू आ रहा 493 इंटू 100 डिवाइड 17, तो 100 हमारा जो एक्स्ट्रा है, तो जो 100 आ रहा हम इसमें जोड़ देंगे, इसमें जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये होगा 29 गुना 100, तो हमारा लास्ट फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, एक मिनट, फिर आप लोग को नोट भी करना होगा, एक काम करो आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद इसको हमें मिटाना पड़ेगा। चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो यहां पे देखिए तो हमारा लास्ट फाइनल आंसर हो जाएगा 2900। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा से समझ में आ चुका होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट या नोट कर सकते हैं, कर लीजिए। तो आज का क्लास हम लोग को यहीं पे खत्म करते हैं, और अगर अभी तक आप लोग सिंप्लीफिकेशन का बाकी क्लासेस नहीं लिए हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर ले सकते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्लास जो रहेगा सिंप्लीफिकेशन का जो अदर क्वेश्चन आता है वो हम लोग कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे अदर क्वेश्चन में हम लोग बोल सकते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन है जिसे 435 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए, या इसी तरह का कोई आपको नंबर दे देगा उसमें पूछेगा कौन सी छोटी संख्या उसमें घटाया जाए ताकि एक पूर्ण संख्या बन जाए, या कौन सी छोटी छोटी संख्या उसमें जोड़ा जाए ताकि वो पूर्ण संख्या बन जाए। अगले क्लास में हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, और भी हम लोग अलग अलग बहुत तरह के क्वेश्चन हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब, और हाँ अपने फ्रेंड को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।